वो कलाकार जिन्होंने हमें दी कुछ बेहतरीन फिल्में। बताओ इस खून के पीछे कौन कौन? मैं अब जाऊंगा तो सबूत लेकर ही जाऊंगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर राज खोसला। राज खोसला साहब का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। शुरुआत की थी बतौर शास्त्रीय गायक और उसके बाद ये पहुंच गए ऑल इंडिया रेडियो, जहां पर ये म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। और उसके बाद कैसे ये बने एक महान डायरेक्टर, ये दास्तां यहां से शुरू होती है। मरी हुई लड़की को, रोती हुई बुढ़िया को अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये अनजान लड़की कौन? राज खोसला साहब बतौर सिंगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त और देवानंद से। ये दोनों ही दोस्त साथ में काम करना चाहते थे और नए हुनर की तलाश में रहते थे। देवानंद साहब को ऐसा लगा कि राज खोसला में वो बात है, ये फिल्म डायरेक्ट जरूर कर सकता है। और तब राज खोसला साहब बने गुरुदत्त साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं पूछती हूँ नीचे देखकर क्यों नहीं चलता? अजी मर्द के बच्चे हैं, सर उठा के चलने की आदत है। बाबू जी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। सन 1954 में राज खोसला साहब की डेब्यू फिल्म आई, नाम रखा मिलाप। देवानंद और गीता बाली इस फिल्म के हीरो और हीरोइन थे, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल ना दिखा पाई। और उसके बाद सन 1956 की एक फिल्म आई जिसने सारा मामला सेट कर दिया। ये फिल्म थी CID। मुझे ऐसा लगता है साहब कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें कम से कम दो आदमी दरकार है। एक वो जिसने चाकू चलाया और दूसरा वो जिसने चाकू चलवाया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। ये वो फिल्म ही रही जिससे वहीदा रहमान ने अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। आप इस मुकदमे के बारे में क्या जानती हैं? मुकदमा? कैसा मुकदमा? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि आप इस मुकदमे पर काफी रोशनी डाल सकती हैं। CID फिल्म में जहां एक तरफ नई हीरोइन राज खोसला को मिली थी, तो वहीं 1954 की इनकी पहली फिल्म मिलाप में नए म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता ने शुरुआत की थी। CID के बाद राज खोसला ने कभी पलट के नहीं देखा। सन 1958 में आई फिल्म 16 साल ने कमाल किया, तो सन 1960 की बम्बई का बाबू कौन भूल सकता है। खास तौर पे राज खोसला साहब जिस अंदाज से गानों को पिक्चराइज किया करते थे। भारतीय सिनेमा का ये वो दौर था जिसे हम सुनहरा दौर कहते हैं। एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थीं और संगीत का तो क्या कहना। एक मुसाफिर एक हसीना के गाने कौन भूल सकता है, और उसके बाद वो कौन थी जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन और लिरिसिस्ट राजा मेहदी अली खान ने कमाल कर दिया था। राज खोसला ने वो कौन थी का सस्पेंस बरकरार रखा। आखिर तक ये फिल्म आपको घुमाती रहती है। जहां मुझे जाना है वहां तुम नहीं पहुंचा। आत्मा को आत्मा की प्यास है, तुम्हारे इस रूप की नहीं। बहू के बदले ना जाने क्या ले आए, उसका नतीजा ना तुम जानती हो ना मैं। ये हॉस्पिटल में थी, वीराने में थी, कब्रिस्तान में थी, उस बंगले में थी, ये हर जगह। इस फिल्म में साधना और मनोज कुमार की केमिस्ट्री भी देखते ही बनती थी। और आखिर में प्रेम चोपड़ा की एंट्री। मरने से पहले गौर से सुनो, तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी संध्या से करना चाहती थी और मैं भी यही चाहता था। राज खोसला साहब की फिल्म वो कौन थी से ही प्रेम चोपड़ा साहब के विलनी की शुरुआत हुई थी। ये वो पहला किरदार था जिसके लिए प्रेम चोपड़ा साहब को काफी सराहना मिली थी। ट्विस्ट? ओ, मतलब ये कि जनाब अभी तक अपने आप को काम से बचाए हुए हैं। बस भाई साहब, यूं समझिए कि काम हमसे बचा हुआ है।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारी डायरी तुमसे बची हुई है या अभी तक उसे अपने रंगीन कारनामों से भरे जा रहे हैं? ये बात अक्सर कही जाती है कि शक्ति सामंता की फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को पहला सुपरस्टार बनाया था, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज खोसला साहब की फिल्म दो रास्ते ने उस सुपरस्टारडम में चार चांद लगा दिए थे। आराधना और दो रास्ते तकरीबन साथ साथ ही रिलीज हुई थी। दोनों का ही संगीत जबरदस्त था और दोनों ही फिल्मों में राजेश खन्ना ने कमाल कर दिया था। चाहे रोमांटिक फिल्म्स रही हों या फिर सस्पेंस फिल्म्स या फिर इमोशनल फिल्में, सारे ही तार राज खोसला ने बखूबी संभाल रखे थे और 1971 में एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिसने 1975 की फिल्म शोले की नींव रखी थी। ये फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश, जिसमें आशा पारेख और धर्मेंद्र साहब मुख्य भूमिकाओं में थे और विलेन जब्बर का किरदार निभा रहे थे विनोद खन्ना। इन फिल्मों से राज खोसला ने अपने लिए एक अनोखा मकाम जरूर बना लिया था, पर फिल्म इंडस्ट्री के उतारों और चढ़ावों से कोई भी कलाकार अनछुआ नहीं रहता। 70 के दशक के मध्य में कुछ ऐसी फिल्में राज साहब ने बनाई जो वो कमाल नहीं दिखा पाई जिनकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म प्रेम कहानी, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज की मशहूर जोड़ी को कास्ट किया गया था, वो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ धमाल ना मचा पाई। और उसके बाद 1978 की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की ने कुछ चीजें संभाली जरूर, पर धीरे धीरे राज खोसला साहब ने असफलता का सामना भी किया। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर दोस्ताना 1980 में सुपरहिट साबित हुई, पर उसके बाद राज खोसला साहब की फिल्मों का जादू बॉक्स ऑफिस से उतरने लगा और इसी दुख के साथ राज खोसला साहब धीरे धीरे शराब के आदि हो गए। और फिर वो वक्त आया जब गम के बादल इनकी जिंदगी पर पूरी तरह से छा गए और इनका मन ही उठ गया फिल्म इंडस्ट्री से। जब हम इनके निजी जीवन की तरफ रुख करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके दो बच्चे हैं, सुनीता खोसला भल्ला और मशहूर फिल्म डायरेक्टर मिलन लुथरिया। मिलन लुथरिया ने खुद कमाल की फिल्में बनाई हैं और अपने पिता राज खोसला की ही तरह ये फिल्म डायरेक्ट भी कर लेते हैं और लिखते भी हैं। 9 जून सन 1991 को महान निर्देशक राज खोसला ये दुनिया छोड़कर चले गए। यकीनन राज खोसला साहब ने अपना एक ऐसा मकाम बनाया जो बहुत कम निर्देशक बना पाए थे। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर सिनेमा तक, गुरुदत्त साहब की संजीदगी, देवानंद साहब का रोमांस, राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन का गुस्सा, सब इन्होंने सिल्वर स्क्रीन पे उतारा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में राज खोसला का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।